चंदौली से आ रही है बड़ी खबर। ट्रक की चपेट में आकर आईटीआई की छात्रा की हुई मौत। रेपसा स्थित आईटीआई कॉलेज जाने के लिए सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रही थी छात्रा। बिहार से बालू लेकर वाराणसी जा रही ट्रक ने कुचला। 25 वर्षीय प्रज्ञा सिंह बगही गांव की थी निवासी। पुलिस ने ट्रक सहित चालक को अपने कब्जे में ले लिया। सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र के बगही गांव के समीप NH2 पर हुई घटना। रफ्तार का कहर हर रोज देखने को मिलता है। खास तौर से रफ्तार ये बालू से भरे हुए ट्रक ज्यादा ही दिखाई देते हैं। इन ट्रकों में लदी हुई बालू कई बार अवैध रूप से खनन कर निकाली गई होती है और जो पुलिस से बचाव के चक्कर में रफ्तार असीमित रूप से बढ़ा देते हैं, जिसके कारण कई बेगुनाह अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आज भी ऐसा ही एक मामला हुआ जिसमें बिहार की ओर से बालू लेकर वाराणसी जा रहे ट्रक ने एक सड़क किनारे खड़ी हुई छात्रा को कुचल दिया। छात्रा की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही, जो कि कॉलेज जाने के लिए सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने फिलहाल ट्रक और चालक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।